ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं गांव थाने की खबरों में। खबर सीकर से, जहां पर लक्ष्मणगढ़ में भी भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। हालांकि इस दौरान कुछ जगहों पर दुकानें खुली जरूर नजर आई, वहीं व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। सीकर के अजीतगढ़ में भी भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। हालांकि इस दौरान कुछ जगहों पर दुकानें खुली भी नजर आई, वहीं व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। भीलवाड़ा के मॉडल में बागोर थाने से तस्करी के आरोपी के फरार होने के मामले में थानाधिकारी दादार सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया। फरार हुए तस्कर का दूसरे दिन भी कोई पता नहीं लग पाया। पुलिस द्वारा जगह पर जगह जगह दबिश दी जा रही है। बारा के शाहबाद में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। हादसा निकटवर्ती गांजन गांव में नदी के निकट बाड़ी में कृषि कार्य करते वक्त हुआ। बारा के अंता में कृषि उपज मंडी में चने की बोरियों में आग लग गई। इस दौरान मौके पर मौजूद हम्मालों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया, इससे बड़ा हादसा टल गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 86 किलो डोडा चूड़ा सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नगर के दशहरा मैदान पर गश्त के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बारा के छबड़ा में बाइक चुराते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को 2 दिन के रिमांड पर सौंपा गया। चित्तौड़गढ़ के भदेसर पंचायत समिति को उत्कृष्ट कार्य करने पर 18 अप्रैल को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा, जिसको लेकर उपखंड क्षेत्र के अधिकारियों और पदाधिकारियों में खुशी का माहौल है। वारा के चीप बड़ौद में असामाजिक तत्वों ने छड़ी और 2 गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ के टिब्बी में हरियाणा क्षेत्र में IGNP की रीलाइनिंग के काम में आ रही अड़चन दूर हो गई है। रीलाइनिंग के काम को रुकवाने के लिए जारी धरना भी समाप्त हो गया। सिरसा DC प्रभजोत सिंह ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों की 3 शर्तों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा कस्बे के वार्ड नंबर 22 में श्री केशव देव पीरखाने के सेवादार बाबा चेतराम के क्षेत्र की 3 गौशालाओं को गौवंश की सेवा के लिए 33 बोरी खल भेंट की गई। जानकारी के अनुसार बाबा ने वार्ड 2 में स्थित श्री गौ सेवा आश्रम समिति, वार्ड 11 की श्री कृष्णा गौशाला सेवा समिति तथा पंडितावाली की गौशाला को 11 बोरी खल की भेंट की। हनुमानगढ़ के संगरिया में गांव बोलावाली स्थित श्री कृष्ण गौशाला में ग्रामीणों द्वारा बैठक कर नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष रविंद्र कसवा, सचिव रणजीत सिंह सिहा, कोषाध्यक्ष रामलाल बिरडा सहित 33 सदस्य नियुक्त किए गए। इस मौके पर गौशाला कार्यकारिणी ने गौ संरक्षण गौ सेवा का संकल्प भी लिया। हनुमानगढ़ के रावतसर में एक विवाहिता को भैला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। विवाहिता के पति ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया कि 1 मार्च की रात्रि को उसकी पत्नी और पुत्र को आरोपी टोपरिया निवासी सुरेंद्र मिरासी भैला फुसला कर ले गया। जाते वक्त वो अपने साथ 50,000 रुपए व आवश्यक दस्तावेज भी साथ ले गई। अजमेर की भिनाई देवलिया कला में सरपंच फतेह चंद सहित जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य चिकित्सक के नदारद मिलने पर रोष जताया गया। सिरोही की पिंडवाड़ा में बसंतगढ़ गांव में 2 गुटों के बीच मारपीट का कवरेज कर रहे एक मीडिया कर्मी को जान से मारने की धमकी दी गई। इस पर मीडिया कर्मी जान बचाकर घर भागा। इसके बाद आरोपियों ने मीडिया कर्मी के घर पर भी पथराव किया और अनाधिकृत रूप से घर में प्रवेश किया। अलवर के रामगढ़ में पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी क्षेत्र से 1 दर्जन से ज्यादा बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। अलवर के तिजारा क्षेत्र के भिड़ोसी गांव में छत्री मंदिर पर महारास लीला महोत्सव का आगाज हुआ। यहां पर महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली, जिसके बाद रासलीला शुरू हुई, जिसमें कलाकारों ने कृष्ण लीला महिमा का गुणगान किया। ये कार्यक्रम रासलीला का 16 अप्रैल तक चलेगा। चौक की निवाई में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पहाड़ी पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार वृद्ध की मौत हो गई। वहीं हादसे में 2 जने गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। प्रतापगढ़ के दरियावद में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों की शराब जब्त की। चारों की भीमाल में करडा समेत जिले में 6 पंचायत समिति और 4 कस्बों में शीघ्र ही वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। यहाँ इसके लिए चिन्हित स्थानों पर RF टावर स्थापित किए जा रहे हैं। चारों के आहोल में विधायक शंकर सिंह ने गांव मादड़ी दयालपुरा गुड़ा बालोतान और अगवरी में लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया। साथ ही लोगों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए।
जालौर के भीमवान में निकटवर्ती भागल भीम के राजकीय प्राथमिक विद्यालय संदेड़ी नाड़ी में पानी की व्यवस्था नहीं होने के चलते बच्चों को सड़क क्रॉस करके पानी लाना पड़ता है। भीमवाल शहर से मात्र 8 किलोमीटर दूर विद्यालय के बालकों को मुख्य रोड क्रॉस कर पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यहां पर हर वक्त भारी वाहनों का आवागमन रहता है, जिससे कि दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। जालौर के सांचौर में दूसरी वर्षगांठ समारोह के अवसर पर एक शाम चामुंडा माता जी के नाम विशाल भजन संध्या सांचौर विधायक सुखराम विश्नोई के मुख्य आतिथ्य में हुई। जालौर के रानीवाड़ा में जालेरा कला स्थित उपकृषि मंडी पर समर्थन मूल्य खरीद केंद्र का शुभारंभ विधायक नारायण सिंह देवल ने फीता काट कर किया। विधायक देवल ने कहा कि सरकार ने समर्थन मूल्य में सरसों की फसल का खरीद केंद्र शुरू होने से किसानों को अपनी फसल का वाजिब दाम मिलेगा। सिरोही के आबू रोड में स्वरूपगंज में किसान मोर्चा की जिला बैठक हुई। यह बैठक जिला प्रभारी श्रवण सिंह राव, जिलाध्यक्ष गणपत सिंह राठौर के आतिथ्य एवं दलपत सिंह राव की अध्यक्षता में हुई। जैसलमेर के पोखरण में जलदाय विभाग पानी को बचाने के लिए गंभीर नजर नहीं आ रहा। पोखरण उपखंड और भणियाणा क्षेत्र के जलदाय विभाग द्वारा बिछाई पाइपलाइन में आए दिन लीकेज और क्षतिग्रस्त हो जाने के चलते प्रतिदिन हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है। इसके बाद भी जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसके चलते प्रतिदिन हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। अजमेर के किशनगढ़ में शहर में 50 से ज्यादा कॉलोनियों के 70 से ज्यादा जोन में पानी की समस्या खड़ी हो गई है। कई समस्याएं तो विभाग की लापरवाही के चलते सामने आ रही हैं। इन पर शिकायत के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बार बार टूटती मुख्य पाइपलाइन व शटडाउन से हालात और भी विकट होते जा रहे हैं। चौक के मालपुरा में बीसरपुर दूधू पेयजल परियोजना के अंतर्गत स्थापित 56 से ज्यादा गाँवों के सार्वजनिक नलों में बीते साल से पानी की सप्लाई बंद है। हालात ये है कि गांवों के कुएं बावड़िया सूखे होने के चलते उक्त गांवों में गला तर करने का एकमात्र साधन हैंडपंप ही है, लेकिन ज्यादातर हैंडपंप भी खराब होने के कारण गंभीर पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। भरतपुर के पहाड़ी में थाना पुलिस ने 4 पिकअप गाड़ियों से 21 पशुओं को मुक्त कराया है। पुलिस ने मामले में 6 जनों को गिरफ्तार कर 4 पिकअप को भी जब्त कर लिया है। खबर पंचायत में यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। चलिए फिर शुरू करते हैं गांव छाने की खबरों का। खबर भरतपुर से, जहां पर नदबई में जाटा समाज डी कुमेर विधायक विशेंद्र सिंह का स्वागत किया। यहां पर विधायक ने नदबई की सड़कों की हालत पर स्थानीय विधायक और मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा को आड़े हाथों लिया। मैं नदबई से चुनाव लड़ने पर विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि अगर पार्टी नदबई से मुझे उम्मीदवार बनाती है तो जरूर चुनाव लड़ा जाएगा। इस बयान से एक बार फिर से चुनावी हलकों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चूरू के बीदासर में विधायक खेमाराम मेघवाल और पूर्व राम सिंह कस्बाने तहसील के एक दर्जन से ज्यादा गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से जनसुनवाई की। इस दौरान विधायक मेघवाल और पूर्व सांसद कस्बाने ग्रामीणों के अभाव अभियोग सुने। विधायक और पूर्व सांसद ने विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। कोटा के रामगंज मंडी उपखंड के अलौद गांव और आसपास के क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ आधा घंटे तक बारिश हुई, जिससे कि खेतों में गेहूं की फसलों को नुकसान हुआ। हालांकि गर्मी में जरूर लोगों को कुछ राहत मिली। चूरू के तारानगर में पंचायती राज मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर के 19 अप्रैल को जन्मदिन के दिन भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता चूरू जाएंगे और संकल्प रैली में भाग लेंगे। पालिका वित्त समिति अध्यक्ष राकेश जांगिड़ ने मंत्री राठौर के जन्मदिन की तैयारी बैठक में ये बात कही। चूरू के तारानगर में इस वर्ष भी 22 अप्रैल को भगवान परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। ब्राह्मण पंचायत सभागार में हुई विप्रजनों की तैयारी बैठक में फैसला किया गया। संयोजक भगवती प्रसाद शर्मा और पवन कुमार शर्मा ने युवा कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपते हुए कहा कि इस बार हजारों की संख्या में विप्र बंधु इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। झुंझुनू के बिसाऊ में अजा आयोग के अध्यक्ष सुंदरलाल की ब्राह्मण समाज पर की गई टिप्पणी को लेकर गंगामाई मंदिर में समस्त ब्राह्मण समाज की बैठक आयोजित कर बयान की कड़ी निंदा की गई। रमेश कुमार पुजारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री कृष्ण पारिक ने कहा कि सुभाष शर्मा सहित संपूर्ण समाज पर सरकार के मंत्री सुंदरलाल द्वारा की गई टिप्पणी से पूरा विप्र समाज आहत है।
वहीं कस्बे में सुंदरलाल के पुतले को लेकर रैली निकाली गई और नारेबाजी कर समस्त ब्राह्मण समाज द्वारा गांधी चौक में पुतले का दहन किया गया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में छापोली ग्राम पंचायत में 24 घंटे पहले लगाई गई गौरव पथ की लोकार्पण पट्टी का टूट गई। यह विधायक शुभकरण चौधरी ने एक दिन पहले ही कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर इसका लोकार्पण किया था। झालावाड़ के डग में गंगदार कस्बे स्थित मोकल खेड़ी में किसान ने अपने खेत में घास फूस जलाने के लिए आग लगाई, लेकिन तेज हवा के चलते ये आग आसपास के खेतों में फैल गई। आग लगने के कारण पड़ोसी किसानों के खेतों में संतरों के बगीचे में 7 बड़े पौधे, 3 आम के पेड़, बबूल के पेड़ों को नुकसान पहुंचा। साथ ही कई बीघा खेतों में रखा भूसा जलकर राख हो गया। बूंदी के केशवराय पाटन में सुवासा और चितवा गांव में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जुआ खेलते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही 1000 रुपए की नकदी भी जब्त की गई। बारह के अंत में कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने ब्रह्मपुरी बालाजी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 15 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सैनी ने कहा कि अंता विधानसभा क्षेत्र में 4 वर्ष के कार्यकाल में 1000 करोड़ के निर्माण कार्य कर पाए गए। हनुमानगढ़ के नोहर कस्बे में राज्य के अंतिम छोर पर बसे गांवों चारणवासी मलवाणी ढाणियों के लोगों को अगले साल तक तहसील मुख्यालय जाने के लिए कई सरल रास्ते तैयार मिलेंगे। विधायक अभिषेक मटोरिया ने माधुवाली ढाणी से चक 16 JSN वाया नोहर सिरसा संपर्क सड़क पर स्थित गुड़िया बस स्टैंड तक संपर्क सड़क पक्की बनाने का प्रस्ताव बनवाकर भिजवाया है। हनुमानगढ़ के रावत में निकटवर्ती गांव गंधेली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को आदर्श PHC के रूप में चयनित करने पर एक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ACMHO डॉक्टर योगेंद्र तनेजा ने PHC की कायापलट करने में प्रमुख भूमिका निभाने पर डॉक्टर कविता को प्रशंसा पत्र और सम्मान प्रतीक देकर सम्मानित किया। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा कस्बे के वार्ड नंबर 22 के बाशिंदों ने अधूरी पड़ी सड़क का निर्माण करवाने की मांग करते हुए पालिका EO पूजा शर्मा के शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वार्डवासियों ने अधूरे पड़े निर्माण कार्य को पूरा करवाने की मांग पालिका प्रशासन से की है। हनुमानगढ़ के टिब्बी में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत स्वीकृत ITI कॉलेज के लिए उपखंड मुख्यालय पर सूर्यवाला में सिंचाई विभाग की ओर से जगह उपलब्ध करवाई गई है। 9 करोड़ की लागत से बनने वाले ITI कॉलेज भवन का विधायक कृष्ण कड़वा ने शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि क्षेत्र में कॉलेज बनने से आसपास और दूर दराज के अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। चारों के आहोर मोरू अगवरी गांव के कच्चे रास्ते पर सामान सप्लाई करने जा रहा एक व्यापारी से कुछ लोगों ने लाठी और कुल्हाड़ी से मारपीट कर सामान लूट लिया। चारों के भीनवाल में गांव राउता निवासी एक व्यक्ति ने गृहमंत्री को ज्ञापन भेजकर बागोड़ा तहसीलदार पर टैंकर खुर्दबोर्ड करने का आरोप लगाया है। चलिए खबर पंचायत में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।